subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अदाएं कातिल होती है, आंखें नशीली होती है। अदाएं कातिल होती है, आंखें नशीली होती है। मोहब्बत में अक्सर होठ सूखे होते हैं, आंखें गीली होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम 07 के मेंबर हसनैन खान के बायोग्राफी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको हसनैन खान के बारे में बचपन से लेकर अभी तक के पूरी लाइफ जर्नी को बताएंगे। सो अगर आप इनके फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, अब आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हसनैन खान का जन्म 9 जनवरी 1996 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके फैमिली में इनके अलावा इनके अब्बू अम्मी और एक भाई बहन है। हसनैन अपने फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार अपने अम्मी से करते हैं। हसनैन अपने इतने ही सक्सेस होने का राज अपने अम्मी को ही बताते हैं। जब हसनैन का जन्म हुआ तब इनका फैमिली बरेली से मुंबई में शिफ्ट हो गए, बिकॉज इनके अब्बू का मुंबई में एक बिजनेस था। पहले तो सिर्फ इनके अब्बू ही मुंबई में रहते थे, लेकिन जब हसनैन का जन्म हुआ तब से सभी फैमिली मुंबई में ही रहने लगे। हसनैन ने अपनी स्कूली पढ़ाई IES न्यू इंग्लिश स्कूल मुंबई महाराष्ट्र से कंप्लीट की है। आफ्टर स्कूलिंग इन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है। दोस्तों, जब हसनैन कॉलेज में थे तभी इनका मुलाकात अदनान शेख एंड मिस्टर फैजू से हुआ। वैसे तो स्टार्टिंग टाइम में इनके बहुत सारे फ्रेंड बने, लेकिन इनकी अदनान शेख, मिस्टर फैजू, फैज बलोच और सदान फुरुकी की दोस्ती सभी के सामने बिल्कुल अलग से उभर कर आया। इनके टीम के सभी लोग कॉलेज के टाइम में बाइक राइडिंग किया करते थे, लेकिन हसनैन को राइडिंग करने से काफी डर लगता था। इसलिए ये लोग कहीं भी बाइक से घूमने जाते थे तो हसनैन बाइक नहीं चलाते थे, वो केवल पीछे ही बैठना पसंद करते थे। दोस्तों, कॉलेज के टाइम में हसनैन काफी शर्मीला भी थे। इनके टीम के सभी मेंबर कॉलेज के हर छोटे बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट किया करते थे, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो या फिर फैशन शो हो। लेकिन हसनैन को ये सब करने और स्टेज पे जाने से काफी शर्माते थे। एक बार अदनान के फोर्स करने और मोटिवेट करने पर हसनैन ने उनके टीम के साथ फैशन शो में पार्टिसिपेट किए। हसनैन बताते हैं कि वो मेरे लाइफ का सबसे कठिन रोल था जब मैं स्टेज पर गया था। और दोस्तों, अदनान के फोर्स करने से ही इन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाना ही स्टार्ट किए थे। हसनैन कहते हैं कि मुझे पहले ये सब करने से काफी डर लगता था, लेकिन आज मुझे स्टेज शो करने, फोटो शूट करवाना और वीडियो बनाना ही काफी अच्छा लगता है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से कब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती। दोस्तों, हसनैन और इनके टीम 07 स्टार्टिंग टाइम में वीडियो सिर्फ मस्ती के लिए बनाया करते थे। इन्होंने टिकटॉक पे वीडियो बनाना तब स्टार्ट किए थे जब टिकटॉक का नाम म्यूजिकली हुआ करता था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाकर इतना पॉपुलर हो जाऊंगा कि हर शुक्रवार को मेरे घर के आगे मेरे फैंस को मुझसे मिलने के लिए भीड़ लगी रहेगी। जहां एक तरफ इनकी सफलता ऊंचाइयों को छू रही थी, वहीं कंट्रोवर्सी का भी आना लाजमी था। वैसे तो इनके साथ इनके हेटर्स ने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलाया, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी तो ऐसा है जो आदमी को डिप्रेशन में लाकर छोड़ देता है। दोस्तों, एक बार हसनैन अपने फ्रेंड के शादी में गए थे, वहाँ इन्होंने खूब मस्ती किए और अपने फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाए। लेकिन जब हसनैन रात को 3 बजे घर आने के लिए कार में बैठे थे तभी इनके एक फैंस ने बोले, हसनैन भैया प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी लीजिए। उस टाइम हसनैन काफी ज्यादा नींद में थे और इन्होंने बोल दिया कि पासेस लो और कल इंदौर के इवेंट में मिलो। हसनैन का अगले दिन इंदौर में इवेंट करना था और उस इवेंट के लिए इनको मॉर्निंग में ही जाना था, लेकिन इनके फैंस उस शादी से इनको घर आने नहीं दे रहे थे। इसी कारण से हसनैन काफी ज्यादा गुस्से में थे, रात भी ज्यादा हो गई थी और इनको नींद भी काफी तेजी से आ रही थी। इसी कारण से इन्होंने बोल दिया कि पासेस लो और कल इवेंट में मिलो। और उस वीडियो को एडिट करके इनके हेटर सभी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दिया और कितने लोगों ने तो यह भी बोलने लगे कि इसको इतना फेमस होने का घमंड हो गया है। लेकिन हसनैन के जो शुरुआती से फैंस थे और फॉलो करते थे, उसके लिए इनका प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ। फिर इसी तरह इनका दूसरा कंट्रोवर्सी, जब झारखंड में तवेज अंसारी की हत्या किया गया था तब उनके मौत का दुख जताते हुए हसनैन और उनके टीम 07 ने एक वीडियो बनाया। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। ये वीडियो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जातिवाद के ऊपर था। फिर शिवसेना के एक्टिविस्ट रमेश सोलंकी ने हसनैन और टीम 07 के खिलाफ FIR दर्ज कराया। उसी दौरान टीम 07 के मेंबर का टिकटॉक अकाउंट भी बैन कर दिया गया। दोस्तों, फिर भी इनके फैंस ने इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा इन लोगों को अपने दिल में रखा। फिर दोस्तों, कुछ दिन बाद इनका टिकटॉक अकाउंट वापस मिल गया और फिर से ये अपने फैंस के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो बनाने लगे।
तब 29 जून 2020 को इंडिया में टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट को लगता था कि कहीं ना कहीं इस चाइनीज ऐप से हमारी पर्सनल डेटा लीक हो रही है और इसी बात को मानते हुए सभी टिकटॉक यूजर टिकटॉक को हमेशा के लिए अलविदा कह दिए। दोस्तों, इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक की तरह कितने सारे शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन आया, लेकिन कोई भी टिकटॉक का बराबरी नहीं कर पाया। टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक के कुछ क्रिएटर्स एमएक्स टकाटक पर वीडियो बना रहे हैं, तो वही कुछ क्रिएटर मौज जोश और रोपोसो ऐप पे वीडियो बना रहे हैं। अगर बात करें कि हसनैन अभी किस एप्लीकेशन में वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्तों हसनैन अभी जोश ऐप पे वीडियो बना रहे हैं। जोश ऐप पर भी इनका फैन फॉलोअर्स मिलियनों में है। अभी के टाइम में इनके जोश ऐप पे 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स और 100 मिलियन प्लस हट्स है। इसके अलावा हसनैन इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं। सो इनके इंस्टाग्राम की बात करें कि अभी कितना फॉलोवर्स है, सो अभी के टाइम में हसनैन के इंस्टाग्राम अकाउंट पे 8.8 मिलियन फॉलोवर्स है। कहती हम दूर हो गए अब याद आ रही है, मैंने कहा अब अगर चली ही गई है तो वापिस मत मुड़, कहती नहीं आती तेरे में एटीट्यूड है तो मैं भी पापा की परी हूँ, मैंने कहा चल फिर यहाँ से उड़। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हसनैन के फेवरेट थिंग्स, फिजिकल अपीयरेंस, गर्लफ्रेंड और इनके फ्यूचर ड्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। सो हसनैन को बाइक चलाना, गाना सुनना, नए नए जगह पे घूमना और सोना काफी अच्छा लगता है। हसनैन का फेवरेट बाइक की बात करें तो इनका फेवरेट बाइक KTM है। हसनैन का फेवरेट कलर की बात करें तो हसनैन का फेवरेट कलर ब्लैक, ब्लू और ब्राउन है। हसनैन का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है। साथ ही इनका फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और एमएस धोनी है। हसनैन एक पेट लवर है, इनको पेट रखना काफी पसंद है। तो अगर बात करें हसनैन के फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस एंड सिंगर की, सो इनका फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान और फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें सो फेवरेट एक्ट्रेस है करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट। साथ ही इनका फेवरेट सिंगर की बात करें तो इनका फेवरेट सिंगर है आतिफ असलम, गुरु रंधवा और जस्टिन बीबर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हसनैन के फिजिकल अपीयरेंस की। सो इनका हाइट अप्रोक्स 5 फीट 7 इंच और वेट अप्रोक्स 70 kg है। वही आई एंड हेयर कलर की बात करें सो आई कलर ओशियन ब्लू एंड हेयर कलर ब्लैक है। सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, बस माँ बोलती है बड़ा कमजोर है कुछ खाया कर। दोस्तों, अगर बात करें हसनैन के फ्यूचर ड्रीम और गर्लफ्रेंड के बारे में, सो अभी हसनैन सिंगल है। दिए गए एक इंटरव्यू में हसनैन से इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अभी मैं सिंगल हूँ, अभी अपना पूरा फोकस अपने करियर पे दे रहा हूँ। साथ ही हसनैन से यह भी पूछा गया कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज, तो इन्होंने बताया कि मैं अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़की से ही शादी करूंगा, मम्मी पापा मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगे मैं उन्हीं से शादी कर लूंगा। हसनैन फ्यूचर में एक्टर बनना चाहते हैं और अभी तक इनका कई वीडियो सॉन्ग भी आ चुका है। इनका पहला वीडियो नजर ना लग जाए जो कि 2019 में आया, दूसरा वीडियो मेरी गलती जिसमें इनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अंशुर कौर है, यह वीडियो भी 2019 में ही आया। दोस्तों, दिए गए एक इंटरव्यू में हसनैन खान से पूछा गया कि सपोज दैट अगर आप फ्यूचर में एक्टर ना बन पाए तो क्या करेंगे, तो हसनैन बोले कि मैं इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री से MBA करूंगा और अपने पापा के ही बिजनेस को और आगे तक ले जाऊंगा। सो दोस्तों, यही थी हसनैन खान के बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी एंड लाइफ जर्नी। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक आए गए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। सपनों को टूटते देखा है, बर्बादी के मंजर देखे हैं और गैरों से क्या गिला करूं अपने कत्ल का जनाब, और गैरों से क्या गिला करूं अपने कत्ल का जनाब, मैंने अपनों के हाथों में खंजर देखे हैं। कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूं, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूं। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकल सकते। तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ, मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ। तुम खूबसूरती की बात करते हो, जाओ मैं आंखें बंद करके भी तुम्हें प्यार करता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, अलग अलग थी कास्ट, खत्म कहानी।